नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडी फॉर यू पी एस सी पी से हमें स्वागत है फिजिक्स का एम सी क्यू हम लोग आज से शुरू करते हैं बायोलॉजी के मैं चार सौ एम सी क्यू कम्प्लीट करवा चुका हूँ और घटना चक्र से तो बायोलॉजी का मैंने पूरा सेक्शन ही कम्प्लीट करवाया हुआ है एक्चुअली में जो मैंने चैनल पर वीडियो बनाना शुरू किया था वो घटना चक्र के साइंस एम सी क्यू का ही शुरू किया था तो उसमें मैंने फ़िजिक्स का भी लगभग में कम्प्लीट है पूरा कम्प्लीट है फिजिक्स घटना चक्र के बुक जो आती है साइंस से उससे और बायोलॉजी भी कम्प्लीट है हाँ शुरू में मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ कम है लेकिन वो बहुत ही बढ़िया है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और इस बुक से रुकमनी के बुक से हमने बायोलॉजी के चार सौ एम सी क्यू कम्प्लीट करवाए थे कल आज से फिजिक्स शुरू करते हैं इसके भी पाँच सौ से छः सौ एम सी क्यू हम लोग करेंगे आप लोग बोलते हो साइंस का एम सी क्यू करवाओ फिर देखना छोड़ देते हो वीडियो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ जाता है ये चीज़ सही नहीं होता है आपको भी सपोर्ट करना चाहिए और ये फ्री में पी भी आपको मिल जाएगा चैनल पर कल परसों में दे दूंगा आपको पी ओके पहला क्वेश्चन है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रस्तुत करता तो हिंदी ख़राब लिखा है पूछा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था तो ये दिया था न्यूटन ने सी होगा सेब वाला किस्सा याद होगा सेब गिरा था और न्यूटन ने देखा तो बोला कि गुरुत्वाकर्षण होता है कुछ बताओ हमारे यहाँ गिरता सेब तो क्या होता उठा के खा लेते पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल इसका आंसर क्या हो जाएगा सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होता है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दो गुनी हो जाए दूरी दोगुनी हो जाए है ना? तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा पहले की अपेक्षा एक चौथाई हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल एक चौथाए हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला दिया हुआ है जिसमें रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस अगर दो गुना कर दो तो देखो चार से डिवाइड हो जाएगा वो इसीलिए बोला है उसने कि रेडियस जब दूरी बढ़ जाएगी दो गुने से तो ग्रेविटेशन जो है वो चार गुने से कम हो जाएगी तीसरा हो गया चौथे नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस पिंड का किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि द्रव्यमान जो होता है ना वो कभी बदलता नहीं है भार से भिन्न होता है क्यों ये पूछा है आपसे तो पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है समझ गया ना भार क्या होता है एक बल होता है जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है जबकि द्रव्यमान क्या होता है उसका मात्रक मापक होता है मात्रा का मापक होता है जैसे अगर मान लो लोहा लेके गए एक किलो द्रव्यमान वाला चांद पर तो लोहे का जब पृथ्वी पर लाओगे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा भार भले ही बदल जाए उसका चंद्रमा पर ओके किसी पिंड का भार पाँच के आंसर क्या हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्यों क्योंकि पृथ्वी ऐसे चपटी है ना ऐसे पृथ्वी चपटी है पृथ्वी का सेंटर ये है तो सेंटर में पृथ्वी के निकेल है और लोहा है ये चुंबक की तरह काम करते हैं इसी के कारण पृथ्वी पर इतना ज़्यादा ग्रेविटी मिलता है तो जहाँ से सेंटर नज़दीक होगा वहाँ पर ग्रेविटी अधिक लगता है जहाँ से सेंटर दूर होगा पृथ्वी का वहाँ पर ग्रेविटी कम लगता है समझ में आ गई इसलिए विशुवत पर ग्रेविटी कम लगेगा विशुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है इसका आंसर हो जाएगा डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है पृथ्वी ध्रुवों पर पृथ्वी के घूर्णन गति अधिकतम है नहीं मैंने पहले ही कारण बता दिया है आपको किसी किसी पिंड पिंड का का भार का भार उत्तरी ध्रुव पर रेखा पर क्रमशः डब्ल्यू पी व डब्ल्यू है यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डब्लू पी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुख्य रूप से यह है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट कहाँ ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रही हो तो लिफ्ट जब ऊपर जा रहा होगा तो आपका भार अधिक महसूस होगा और लिफ्ट जब तेज़ी से नीचे आएगा तो आपका भार हल्का महसूस होगा गोल गोल वाला झूला याद करो जो बड़ा सा होता है आकाश झूला जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ जब ये झूला ऊपर जा रहा होता है तब तो आप मज़े लेते हो जैसे ही झूला नीचे की तरफ आने लगता है तो आप भी ऊपर की तरफ़ देखने लग जाते हो तो आठ के आंसर क्या हो जाएगा जब एक समान वेग से तवरण से ऊपर की ओर गमन करे ऊपर की ओर तवरण से गमन करे ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाता है अभी मैंने स्पष्ट किया था एक समान गति से घूर्णित साफ्ट में धागे से गेंद बांधी हुई है साफ्ट के अचानक रुकने पर धागा साफ्ट पर लिपटने लगता है गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा या घट जाएगा एक कील ले लो कील से एक बांधा हुआ है इसको घुमा रहे घुमा रहे अचानक से रोक देंगे तो ये धागा धीरे धीरे कील पर क्या होगा ऐसे ऐसे लिपट जाता है यही पूछा है फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन जितना इमेजिनेशन कर लोगे फिजिक्स उतना ही आसान लगेगा आपको तो दस का आंसर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कोनीय वेग जो होता है वो बढ़ जाता है उंगली पर किसी चीज़ को बांध के कभी नचाया होगा ना रस्सी में बांध के तो वही होता है ये एक गोल पीपे बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्यों पीपा देखा होगा पीपा पुल भी बनता है इसको लुढ़काना आसान होता है क्यों ये पूछा है आपसे तो सर्पी घर्षण स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है कि तुलना में लोटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है किसी चीज़ को लुढ़का के ले जाना आसान होता है ना ना कि खींच के ले जाना खींच के ले जाना मुश्किल क्यों होता है ड्यू टू तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन के कारण कठिन होता है ओके जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज़ को शीघ्रता से ग्लास के नीचे से जल को छिड़काए बिना नहीं खींचा जा सकता है ये परिघटना क्या कहलाती है तो जरत्व के गुण को दर्द दर, दिखाती है जरत्व का गुण क्या है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उससे को क्या कहा जाता है जरत्व का नियम जरत्व का मतलब क्या होता है रुका हुआ हम लोग बोलते हैं ना जरत्व बुद्धि का इंसान है मतलब ये कुछ नया सीखना नहीं चाहता है मतलब कि रुका हुआ कोई भी वस्तु अगर रेस्ट पोजिशन में है अगर कुर्सी रखा हुआ है तो तब तक रखा रहेगा जब तक आप उसको हाथ से हिलाओगे नहीं तो यही चीज़ है तो जब गिलास रखा हुआ होता है तो उसके वो जो उसके नीचे के चादर है उसको आप अगर लगभग में न्यूनतम समय में खींच लोगे तो गिलास वैसा का वैसा ही रह जाएगा वो अपनी जगह परिवर्तन नहीं करेगा किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसका संवेग दोगुना होगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक अवधि के लिए लगें तो ये पिंड क्या हो जाएगा एक समान संवेग से गतिमान हो जाएंगे ओके बीस किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर एक मीटर ऊंचाई हमें ये नहीं करना न्यूमेरिकल किसी पिंड का वेग दो गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी गति ऊर्जा चार गुनी बढ़ जाती है किसी पिंड का वेग दो गुना होने पर उसकी गति ऊर्जा चार गुनी हो जाती है और इंग्लिश मीडियम के लिए जो लोग बोलते हैं इंग्लिश मीडियम का ना तो मेरे पास मटेरियल मिल पाता है बी का जल्दी और ना ही मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ कि मैं झूठ बोल के तैयारी नहीं करवा सकता देखो एक पी पर मैं फ़ोन में बनाता हूँ इसलिए मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है बाई लैंग्वेज लेकर चलना जिस दिन मैंने कंप्यूटर पर या स्लाइड बना के शुरू किया आपको गारंटेड मैं इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट दूंगा। फ़ोन पर पीडीएफ बनाता हूं और उसी से पढ़ाता हूं और मेरे पास संसाधन नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बना पाता हूं इंग्लिश मीडियम के लिए ओके इस चीज़ को ध्यान में रखना हर बार आप लोग बोलते हो कॉमेंट में आकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ करूँगा जरूर आने वाले समय में घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा संग्रहित होती रहती है चाबी वाले कार भी देखे होंगे तो हम क्या करते हैं ऊर्जा संग्रहित होती रहती है जब हम चाबी भरते हैं फिर वो धीरे 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 क्या होता है स्प्रिंग धीरे 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 रोटेट होती है जिससे गाड़ी चलती है या घड़ी की सुई घूमती है ओके पहले के घड़ी देखा होगा आपने अब आप तो शायद आज के जनरेशन देखा भी नहीं होगा आज के लोगों ने जो घड़ी में चाबी कैसे भरी जाती थी स्थिर आलम्ब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल यानी दोलन रहा हो तो पदार्थ को क्या बोलेंगे गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होती है देखो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही ख़राब लिखा है इन्होंने समझ रहे हो ना पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे क्या होता है अस्थायित्व तो स्थिरता में वृद्धि हो जाती है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सेंटर ऑफ मास के एस्टैब्लिश करने के लिए ही आदमी झुकता है आगे की तरफ जैसे ऐसे झुक जाएगा तो सेंटर ऑफ मास उसका यहाँ रहेगा अगर स्ट्रेट खड़ा रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास पीछे थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ हो, तो लुढ़क जाएगा वो ओके भूस्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल कितने दिनों का होता है तो चौबीस घंटे का होता है परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेब पिंड बाहर छोड़ा जाए तो वह यान के साथ ही उसी बेग से गमन करेगा क्यों क्योंकि यान में जो कोई सेब रखा हुआ है वो तो उसी रफ्तार से घूम रहा है ना तो उसको जब आप खिड़की से गिरा दोगे तो वो उसी रफ्तार से वहीं पर घूमने लग जाएगा अंतरिक्ष में समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है तो डेंसिटी भी बढ़ती है डेंसिटी बढ़ती है गहराई में जाने पर और खारापन के बढ़ने पर नदी में तैरता जलियान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या होगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा देखो रीज़न क्या दिया हुआ है नदी में तैरता जलियान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है क्योंकि नदी के पानी के घनत्व तो की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व तो अधिक होता है क्योंकि खारा पानी होता है समुद्र में तैरना आसान होता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आंसर में देगा क्या कि क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है लॉजिक ध्यान देना कॉन्सेप्ट को समझना उस पर क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं इस पात की गेंद पारे पर पा तैरती है क्योंकि क्यों तैरेगी इस पात की अपेक्षा पारे का घनत्व तो अधिक होता है जब भी किसी चीज़ का किसी से घनत्व तो ज़्यादा होगा तभी वो उस पर तैर सकता है इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होती है वायु पंपों की सहायता सामान्य दाब बनाए रखा जाता है जब वायुयान सबसे ऊपर होती है तो वायुयान के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो लोगों का दम घुटने लग जाता है समझ रहो ना? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र इसका आंसर है बी बैरोमैरी बैरोमापी जिसको कहा जाता है बैरोमीटर कहा जाता है एक्चुअली में क्या कहा जाता है बैरोमीटर अगला है हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं क्यों हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब होता है लेकिन हम क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है ब्लड का प्रेशर वो वायुमंडली दाब से अधिक होता है किसी पिंड का अधिकतम भार क्या होगा निर्वात में होता है किसी पिंड का अधिकतम भार भिन्न धातुओं के बने एक एक किलोग्राम के चार घन क्यूब जल में तौले जाएँ तो क्या होगा न्यूनतम घनत्व वाले धन जो घन बनेगा क्यूब बनेगा का भार न्यूनतम होगा बस यही होगा और कुछ नहीं होगा घन यानी कि यहाँ पर क्यूब दिया है घन एक छोटा सा ब्लॉक ओके हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्न में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा तो सी एक किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को ऊपर उठा कर लेकर जा सकता है जितना बड़ा गुब्बारा बांध दोगे तो छोटे से बच्चे को भी उड़ा सकता है किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावनता उत्प्लावनता क्या होगा एक समान ही रहता है ना तो बढ़ता है ना घटता है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं पारे की दो बूंद को संस्पर्क में लाने पर संस्पर्क लिख दिया है संपर्क में लाने पर संपर्क होगा वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है इसका कारण क्या है इसका कारण है द्रवों द्वारा क्या लिखा हुआ है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना पारा का क्या होता है कि वो न्यूनतम क्षेत्रफल पृष्ठीय बना के रखना चाहती है इसलिए जब उसके दो बूंदों को लाओगे या किसी भी द्रव के दो बूंदों को लाओगे तो वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं कांच के स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है इसका कारण क्या होता है तो ये अभी मैंने बताया ना पारा जो होती है वो खुद को ऐसे रखना चाहती है जबकि जल जो होती है वो खुद को ऐसे रखना चाहती है समझना इसके लिए कुछ बकावते शब्द है वो मैं बता देता हूँ कांच के साथ पारे के असंजस की अपेक्षा जल के साथ ससंजस कोहेसन अधिक है समझ रहे हो ना जो जल के साथ जो कांच का ससंजस होता है कोहेसन वो ज़्यादा होता है पारे के साथ कम होता है इसीलिए लिए ये चीज़ होता है क्रिकेट की घूमती प्रचक्र कमान स्पिनिंग गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित के आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है तो बर्नोली प्रमेय जो बर्नौली का प्रमेय है उसके द्वारा बर्नौली के थ्योरम के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है जो बॉल जो स्पिन होती है ना उसी के बोल रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या होगा गाड़ी की ओर गिर सकता है ओके गाड़ी की ओर गिर सकता है भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि क्यों ऐसा होता है ऐसा उसके अपने प्रत्यस्थ गुण के कारण होता है ओके एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को किसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास क्या होगा एक वृताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृताकार छेद है उसको गर्म करने से छेद का व्यास बढ़ेगा घटेगा क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ कर देगा एक जल भरे बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या हो जाएगा पूर्ववत ही बना हुआ रहेगा ये क्वेश्चन था सिक्सटी सेवन्थ बी का किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप माइनस पंद्रह डिग्री सी हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क के जल सतह का ताप क्या होगा तो ये होगा जीरो डिग्री सी जहाँ पर बर्फ़ का संपर्क हो रहा है जल से वहाँ पर तापमान क्या होगा जीरो डिग्री सी होगा और ऊपर तापमान क्या होगा पंद्रह डिग्री माइनस पंद्रह डिग्री सी बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है झील में जो तल उसका बर्फ़ ऊपर जम जाएगा लेकिन उसका तली का जो भाग है वहाँ पर जल जल ही रहता है इसलिए उसी में मछलियाँ रहती हैं और मरती नहीं है वो ठंड में क्या होता है जब जल को आठ डिग्री सी से जीरो डिग्री सी तक किया जाए आठ डिग्री सी से जीरो डिग्री सी पर जा रहे हैं तो क्या होगा जल का आयतन चार डिग्री सी तक कम होगा तब उसके बाद जल का आयतन बढ़ता है ओके जल का आयतन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो चार डिग्री सी पर ही होता है निम्नलिखित द्रवों में से उषमा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है तो पारा बी होगा पायरेक्स के बिना पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स क्या होता है गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है पैंतालीस है रेफ्रिजरेटर का प्रति प्रतिशत यानी कि फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है क्यों रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर वाला सेक्शन आपने देखा होगा आपके फ्रीज में भी होगा बर्फ़ वाले सेक्शन ये सबसे ऊपर क्यों होता है फ्रिज में यही पूछा है आपसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जिससे यह समहन धारा कन्वेंसन करेंट के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके ओके इवेक्एटेड विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक उषमा संचरण किस प्रक्रिया से होता है तो चालन से संवहन से विकिरण से उष्मा के संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता तो 46 सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा कैसे उष्मा आती है तो ये इसका आंसर दिया हुआ है सी यानी कि विकिरण के माध्यम से उष्मा का संचरण होता है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि धातु से बने चार गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट क्या होगा अपरिष्कृत काला होगा वहाँ पर सबसे तेज़ी से जो कॉफ़ी होगी वो ठंडी हो जाएगी अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज़ पर रखा जाए तो किस नि, किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊर्जा नष्ट होगी तो इसका आंसर हो जाएगा डी चालन संवहन विकिरण और वाष्पन के द्वारा कॉफ़ी का ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी एक प्याले में चाय 90 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक ठीक एक मिनट में ठंडी होती है तो 70 से 60 तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा तो उनचास का आंसर क्या हो जाएगा इसमें क्या लिखा एक मिनट में ठंडी होती है ना तो फोर्टी नाइन के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं तो एक मिनट में होती है तो लगने वाला समय एक मिनट से अधिक होगा सत्तर से साठ आने में उसको एक मिनट से ज़्यादा समय लगेगा नब्बे से अस्सी तक एक मिनट लगेगा उसको ऐसा क्यों होता है न्यूटन के शीतलन का नियम के अनुसार ऐसा कहा है इन्होंने न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होती है उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है द्रव के तापमान पर चारों ओर के वायु के ताप पर द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर मिट्टी के बने घरे में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि तो घरे के छिद्र से जल बाहर आकर वाष्पित होता रहता है इसीलिए जल ठंडा रहता है घरे में ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्यों ये सैसठवीं बी पी का क्वेश्चन है ध्यान से करना हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है पसीना जब सूखता है तो ठंडक महसूस होती है इसी कारण से और कुत्ता जो जीभ निकाल कर हाँपता है तो भी उसको ठंडक महसूस होती वो भी यही रीजन है तो दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि जल का जब वाष्पन होता है तो वो टेम्परेचर कम कर देता है हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का क्या होता है भी तापमान अधिक हो और वह आद्र हो आद्र होगी मतलब ड्राई जब होगा ना और आद्र होगा मतलब उसमें थोड़ी सी उमस हो और तापमान अधिक हो तब सबसे ज़्यादा पसीना आता है तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि तो सतह का जल वाष्पित होता है परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है जल के सतह द्वारा आवेशित उष्मा जल की ओर संचालित होती है तली का जल ठंडा होता है और संहन धाराओं से ऊपर आ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिफ्टी फोर का फिफ्टी फोर का आंसर दिया हुआ है ए यानी कि वही रीजन एक ही रीजन से जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण से ओके वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर क्या होती है में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में अगर वृद्धि होती है तो बढ़ जाती है यानी कि जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी अगर गर्म वायु होगी तो समझ लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदरता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है तो नाम से ही स्पष्ट है अपेक्षित आदरता की अपेक्षित आद्रता जल का कथनांक फिफ्टी सेवन के आंसर क्या हो जाएगा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है जल का कथनांक मतलब जल जब ऐसा पॉइंट जहाँ पर जल वाष्प में बदल जाए ये क्वनांक एयर प्रेशर पर डिपेंड करता है ओके प्रेशर कुकर का सिद्धांत यही है प्रेशर कुकर का प्रेशर ज़्यादा रहता है इसलिए इसमें पानी उबल के उड़ नहीं जाता है बल्कि खाना तेज़ी से पकता है समझ रहो ना कम टम्प कम तापमान पर भी तो वायु का जो दाब होता है उस पर जल का क्वनांक निर्भर करता है इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना बी होगा पहाड़ों पर इसीलिए वायुदाव कम होता है तो पानी जो है वो कम तापमान पर ही वाष्पीकृत हो जाती है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है तो सूर्य से सीधे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एनर्जी का सोर्स सूर्य होता है जो सीधे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है किस प्रकार प्रकाश की तरंग भिन्न होती है ध्वनि तरंगों से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से भिन्न है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इलेक्ट्रोक मैग्नेटिव वेव होती है लाइट यानी कि लाइट को चरने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जबकि साउंड को माध्यम चाहिए निम्न में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग धैर्य सबसे लंबी होती है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है तो इंफ्रा की सबसे ज़्यादा होगी इंफ्रा की क्योंकि देखो अगर ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम साइंस में पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोगों ने गामा आता है उसके बाद एक्सरे आता है फिर यू भी आता है अल्ट्रा वायलेट और के बाद क्या आएगा वायलेट आएगा यानी कि विजिबल आ गया विजिबल के बाद विजिबल में सबसे लास्ट में कौन सा आता है रेड आता है तो रेड के बाद कौन सा आ जाएगा इंफ्रा रेड का मतलब ही होता है रेड के बाद तो इन्फ्रा रेड आ जाएगा सबसे अंत में तो सिक्सटी का आंसर क्या हो जाएगा डी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है तो वो कौन सी परत होती है आयन मंडल कहलाती है आयनोस्फेयर जिसको कहा जाता है रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार हो जाता है क्यों क्योंकि रात्रि में सूर्य की रोशनी अनुपस्थित रहती है और सूर्य की रोशनी जब उपस्थित होती है तो रेडियो कुरनों को कमजोर कर देती है ओके और ये जो आयन मंडल परत होते हैं ना डी परत ई परत और एफ परत ये कमज़ोर हो जाती हैं दिन में का क्या हो जाएगा सी दिन के समय प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करती है टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते हैं क्यों पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं पृथ्वी वक्र है ये तो पता हो ना ऐसे है रेडार का प्रयोग क्यों होता है तो वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण के लिए रेडार का उपयोग किया जाता है रेडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका आविष्कार सर रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने के दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है इसका कारण क्या होता है इसका कारण होता है प्रकाश का ऋतुरेखीय संचरण रेटी, रेटी लाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कठिन होता है इसलिए यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ओके पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तो कोरोना का भाग दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि चंद्रमा जो है वो सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेगी तो उसका बाहि बाहि का जो चारों तरफ का किनारा रिंग होता है ना बस वही दिखाई देता है इसी को कोरोना कहा जाता है कोरोना कहा जाता है क्या कहा जाता है कि या कोरोना कहा जाता है समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है तो आभासी होती है इमेजनरी आभासी का मतलब क्या होता है ये नहीं पता होगा आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है ओके किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्व पूर्ण प्रतिबिंब देखने तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए तो व्यक्ति की लंबाई की कम से कम आधी तो चाहिए ही अगर आप छः फीट लंबे हो तो तीन फीट आपको शीशा चाहिए अपने आप को पूरा पूरी देखने के लिए यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा तो वो आएगा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से दोगुनी रफ्तार से कमरे के अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हैं तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों को संख्या कितनी होगी अनगिनत होगी अनगिनत ही होगी कितनी होगी सत्तर के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है डी अनंत हो जाएगा ये आपने देखा होगा अगर गए हो बाल कटवाने तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा वास्तविक प्रतिबिंब हमें चाहिए आभासी नहीं चाहिए तो अवतल दर्पण चाहिए उसके लिए दंत चिकित्सक किसका उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु तो उत्तल दर्पण लगा होता है कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण लगा होता है पीछे की चीज़ें देखने के लिए कार के हेड लैम्प में कौन सा दर्पण होता है तो पारवोलिक पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है अवतल दर्पण ही होता है हेड हेडलैम्प में आगे का लाइट में कौन से दर्पण होती? होती है अवतल दर्पण होती है पैराबोलिक रूप सेप में जिससे लाइट सीधा जाए जिससे सामने वाले की आंख पर ना पड़े ओके अगला है जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग कैसा दिखता है जल की सतह की ओर मुड़ी प्रतीत होती है तो बी आंसर होना चाहिए सेवेंटी का आंसर क्या दिया हुआ है भी ही होगा कि थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है जल की सतह की ओर ये जरूर ध्यान में रखना जल की सतह की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है इसका क्या कारण होता है इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन रिफ्रैक्शन वायुमंडल में जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण समय सूर्य दिखता रहता है जबकि वास्तविकता में सूर्य डूब चुका होता है यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती कोई परिवर्तन नहीं होता वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर कोई होता ही नहीं फिर दिन की अवधि तो वैसे ही होती वैसे दिन की अवधि किससे डिसाइड होती है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उससे डिसाइड होती है पृथ्वी के किससे घूर्णन से दिन की अवधि डिसाइड होती है ओके और सूर्य की स्थिति कहाँ पर है विशुवध पर है या कर्क पर है मकर पर है इससे दिन की अवधि डिसाइड होती है क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घविताकार इलेक्ट्रिकल प्रतीत होते हैं इसका कारण क्या है तो इसका कारण है अपवर्तन अपवर्तन ओके इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या करवाती है परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक पारावर्तन दोनों ही इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जो जल है वर्तमान जल है जो जल की बूंदें होती हैं वायुमंडल में इसीलिए वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनता है ना जल की जो बूंदें होती हैं इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिपेक्षण ये दोनों ही घटना होती है तब जाके इंद्रधनुष दिखाई देता है वर्षा के रुकने तो के उपरांत इंद्रधनुष तो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा अगर सूर्य पश्चिम में है तो आपको इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा और अगर सूर्य पूर्व में है तो आपको इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर या वर्णों में बिखर जाता है क्योंकि भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है तो इसका आंसर हो जाएगा डी नीला हरा पीला प्राथमिक वर्ण कौन से होते हैं तो वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं जैसे प्राथमिक वर्ण लाल नीला और हरा है ओके तीन प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हैं तो नीला हरा व लाल हैं प्राइमरी कलर्स इसको कहा जाता है कमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के कैमरे के कौन सा भाग कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश्य होते हैं तो ये होता है फिल्म फिल्म का जो भाग, फिल्म जो होता है रील वो रेटिना के जैसे ही होता है जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेर कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वो स्पष्ट देखना दे पाने में समर्थ नहीं होता है अचानक से लाइट से अंधेरे में आओगे तो नहीं देख सकते हो है ना तो ये क्यों होता है तो एटी सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति तेज प्रकाश से एक कमरे में प्रवेश करता है कुछ देर तक स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता इसका कारण होता है परितारिका जिसको आयरिस द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाना आयरिस द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाने के कारण जो अंधेरे में आपको तुरंत से दिखाई नहीं देगा नेत्र का समायोजन इसका आंसर हो जाएगा रोमाक पेशियो क्लेबरी मसल्स के द्वारा होता है क्लियरी ओके वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने तो चश्मा एनक लगाना पड़ता है क्योंकि अब तो, तो इसी अवस्था में लगानी पड़ जाती है नेत्र के समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है वृद्धावस्था में तो लगाना पड़ता है इसका ये रीजन दिया हुआ है और अगर इस अवस्था में लगता है तो उसका रीज़न अलग हो सकता है वृद्धावस्था में समायोजन नहीं हो पाता है नेत्र का इसलिए लगाना पड़ जाता है आकाश के नीलिमा का कारण तो बी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों के अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन स्कैटरिंग ओके जरूर ध्यान में रखना है इसको अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा बिल्कुल काला दिखाई देगा काला दिखाई देता है बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री सभी दिशाओं में दिन के समान समय तारे देख सकते हैं ओके बाह्य अंतरिक्ष में है तो सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभयुक्त प्रतीत होता है क्यों तो इसका आंसर हो जाएगा डी सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जब सूर्यास्त होगा तो सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है यानी कि वायुमंडल कैसा हो जाएगा तिरछी किरण पड़ेगी तो वायुमंडल में ज़्यादा देर तक रहेगी तो इसके लिए क्या हो जाता है प्रकीर्णन हो जाती है प्रकीर्णित हो जाती है और पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते हैं इसीलिए नारंगी लाल अभ अभयायुक्त हो जाता है साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं ऐसा क्यों होता है बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतीकरण के कारण ऐसा होता है वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों थ्री डायमेंशनल इमेज के अभिलेखन की तकनीक को क्या कहा जाता है तो होलोग्राफी कहा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में ऊर्जा का अभिगमन होता है ध्वनि का तारत्व पिच का निर्धारण ध्वनि किससे होता है तो 96 सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि सी दिया हुआ है कि आवृत्ति से ध्वनि के पिच का निर्धारण होता है नाइन्टी सिक्स पर हम लोग पहुंच गए हैं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण कारण क्या है पूछा है आपसे तो उच्च आवृत्ति है मतलब स्त्रियों का स्वर दूर से आप सुन सकते हो पुरुषों की अपेक्षा ओके और तीखी आवाज़ होती है थोड़ी सी ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं ए आंसर हो जाएगा ओके 99 है कि ध्वनि का अधिकतम वेग इस पात में होता है जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा जहाँ भी डेंसिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होगी वहाँ पर ध्वनि का वेग उतना ही ज़्यादा होगा इस चीज़ को ध्यान में रखना सबसे अधिक लोहा में फिर भाप में लोहा के बाद किस में कांच में होगा फिर जल में हो जाएगा उसके बाद से भाप में होगा फिर वायु में होगा ध्वनि उच्चतम वेग से क्या हो जाएगा तीस डिग्री सी पर आद्र वायु में गमन करती है तीस डिग्री टेम्परेचर पर आर्द्र वायु में गमन करती है उच्चतम वेग से माख संख्या मैक नंबर बड़ा ही खराब हिंदी लिखा है का संबंध किससे है तो वायुयान के वेग से है ध्वनि के वेग से होना चाहिए था मेरे हिसाब से मैक संख्या जो मैक नंबर होता है ध्वनि के वेग से होता है उसी से बाकी चीज़ों का डिसाइड किया जाता है अगला है कि प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है तो ध्वनि का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत परावर्तक सतह के बीच यानी कि यहाँ पर साउंड बज रहा है और ये सतह है इसके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी कि हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी ये पूछा है है ना प्रतिध्वनि जो होती है मूल ध्वनि से अलग सुनाई देगी एक ही साथ दोनों नहीं सुनाई देगी इसका मिनिमम सत्रह मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए कितना सत्रह मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए एक सौ तीन का आंसर क्या होगा बी हो जाएगा चमगादर अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि क्यों तो वे अपने द्वारा उत्पन्न परास्रभ ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से अपना मार्ग बदल लेते हैं ओके इसीलिए वो अंधेरे में भी उड़ पाते हैं एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही हो तो सायरन के सामान्य त्वरण तीक्ष्णता की सापेक्ष उसके ध्वनि का त्वर तो क्या हो जाएगा बहुत ही खराब हिंदी लिखा है कम हो जाता है ओके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सिर के सूखे बालों में करी रबर के कंघे से कंघी करने पर करकराहट की ध्वनि का कारण क्या होता है तो छोटे छोटे विद्युत स्फुरन ही होते हैं कंघी को कभी भी ड्राई हेयर में रगड़ोगे तो उसमें एक छोटा सा मैग्नेटिक वो आ जाता है चार्ज डेवलप हो जाते हैं क्या होते हैं मैग्नेटिक नहीं होता एक्चुअली में वो उस पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओगे पेन के साथ भी हम लोग करते थे ये सब तो पेन क्या करेगा फिर उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींचता है क्यों क्योंकि उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है चार्ज डेवलप हो जाता है ध्यान रखना है इसको विद्युत परिपथ में संधारित कैपेसिटर कंडेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु आवेश का संग्रहण करता है चार्ज का संग्रह करता है कैपेसिटर निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है तो अर्धचालक है सिलिकन 110 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन यही है इसके बाद का कल मैं आपको इसका मेगा वीडियो ला दूंगा जिसमें 150 से 200 सौ क्वेश्चन करीब में सो 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 होंगे निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है तो ये है कार्बन माइक्रोफोन ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है बाकी विद्युत पंखा टेलीफोन रिसीवर और डायनेमो ये तीनों ही आधारित हैं ओके 110 सौ दस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसके पी में थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है अगर ये बुक मुझे मिला तो मैं खुद से ही पी इसका बना लूँगा और इसका पी डी दो से तीन में मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर तो रिवीजन करते रहना जो भी पढ़ा है उसका पहले रिवीजन करो बाद में किसी और चीज़ को पढ़ना ओके थैंक यू सो मच